सकुशल समझो मुझको सकुशल रहती यदि साकी बाला, मंगल और अमंगल समझे मस्ती में क्या मतवाला। मित्रों मेरी क्षेम न पूछो आकर पर मधुशाला की, कहा करो जय राम न मिलकर कहा करो जय मधुशाला। राम सिर्फ उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करना जानते हैं, जो कर्म करना जानते हैं, क्योंकि अगर कृष्ण है भी तो सिर्फ सारथी है। युद्ध जीतना है तो अर्जुन को कुरुक्षेत्र में उतरना ही होगा, रथ पर चढ़ना ही होगा, गांडीव उठाना ही होगा और निशाना लगा के एक एक कौरव को मार गिराना ही होगा। तभी कुरुक्षेत्र जीता जाएगा, तभी सफर मुकम्मल होगा, तभी मंजिल मिलेगी, तभी मधुशाला पास आएगी। कहा करो जय राम न मिलकर कहा करो जय मधुशाला। विवेकानंद को धार्मिक गुरु माना जाता है, पर युवाओं को कर्म के लिए जितना प्रेरित उन्होंने किया उतना किसी और ने नहीं। कहते थे यू विल बी नियरर टू हेवन प्लेइंग फुटबॉल देन स्टडिंग भागवत गीता। अगर आप फुटबॉलर हैं और आप दिल से फुटबॉल खेलते हैं तो आप गीता के सबसे बड़े उपासक हैं। गीता को पढ़ने से ज़्यादा आचरण में लाना जरूरी है। जरूरी अगर कुछ है तो सिर्फ अपना कर्म, सिर्फ अपनी मधुशाला और सिर्फ उसकी ओर अपना सफर। कहा करो जय राम न मिलकर कहा करो जय मधुशाला। टाइटैनिक की उस बैंड की तरह जिसकी मधुशाला थी टाइटैनिक के यात्रियों को अपने संगीत से जीवंत बनाए रखना। टाइटैनिक डूबता रहा, घुलता रहा पानी में और संगीत बजता रहा। बैंड का संगीत रुका नहीं। कोई भय नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई राम नहीं, सिर्फ अपना कर्म, सिर्फ अपनी मधुशाला और सिर्फ उसकी ओर अपना सफर। कहा करो जय राम न मिलकर कहा करो जय मधुशाला। नीरजा भनोट की मधुशाला थी पैन एम फ्लाइट 73 पर अपने यात्रियों को बचाना। विमान हाईजैक होने के बाद नीरजा 17 घंटे आतंकवादियों से जूझती रहीं। अंत में जब आतंकवादियों ने यात्रियों को खत्म करना चालू किया तो नीरजा ने इमरजेंसी गेट खोलकर 351 यात्रियों की जान बचाई और बचाते बचाते खुद शहीद हो गई। पर कोई भय नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई राम नहीं, सिर्फ अपना कर्म, सिर्फ अपनी मधुशाला और सिर्फ उसकी ओर अपना सफर। कहा करो जय राम न मिलकर कहा करो जय मधुशाला। इरिना सैंडलर्स की मधुशाला थी यहूदी बच्चों को द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन सेनाओं से बचाना। जर्मन सेनाएं अपनी ज्यादतियां करती रहीं, इरिना बच्चों को बचाती रहीं। कुल मिलाकर करीब 2500 बच्चों को जीवन दान दिया इरिना ने और बचाते बचाते स्वयं जर्मन सेनाओं की गिरफ्त में आ गईं। पर कोई भय नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई राम नहीं, सिर्फ अपना कर्म, सिर्फ अपनी मधुशाला और सिर्फ उसकी ओर अपना सफर। कहा करो जय राम न मिलकर कहा करो जय मधुशाला। सकुशल समझो मुझको सकुशल रहती यदि साकी बाला, मंगल और अमंगल समझे मस्ती में क्या मतवाला। मित्रों मेरी क्षेम न पूछो आकर पर मधुशाला की, कहा करो जय राम न मिलकर कहा करो जय मधुशाला। कहा करो जय मधुशाला।